हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार का, तारीख है 19 मई और टाइम हो रहा है दोपहर के करीब बज गए हैं, 3:05 हो रहे हैं शायद अभी, हाँ 3 बजे। सो फ्रेंड्स, मैं जो है ना आज शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं सुबह हो गई थी तबीयत ख़राब, अचानक से ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, और मतलब वो तो कल रात से ही गई थी लेकिन इसी वजह से ना सुबह नहीं उठ पाई थी। लेकिन सुबह उठी, नहाना धोना हुआ, पूजा पाठ हुई, तो मतलब हमने सबने जो वट सावित्री व्रत हम लोग तो करते नहीं हैं लेकिन हमारी पूजा वगैरह सब पूरा परिवार मिलकर करता है, तो वो सब की थी, मावस वगैरह पूजी थी, सब कुछ तो वही है। फिर उसके बाद जो है ना दवाई वगैरह लेकर आई, और उसके बाद थोड़ी देर आराम, मतलब थोड़ी देर नहीं, आज मैंने पूरा दिन आराम किया, ना कोई सिलाई की ना कुछ किया मैंने, और अभी जो है ना बस बना रही हूँ अपने लिए चाय। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दूध उबाल के रख दिया है और इसमें जो है ना चाय के लिए पानी चढ़ाया हुआ है, तो अभी भी आंखें देखो कैसी हो रही है ना, बहुत अजीब सी हो रही है क्योंकि तबीयत जो है ना ज़्यादा ही ख़राब हो गई और समझ नहीं आया कैसे हो गई, मतलब चक्कर उल्टी वगैरह सी ये सब हो गया था। तो कहो तो मुझे कल से ही रहा था लेकिन कल मैंने इग्नोर किया और इतना मतलब सोचा नहीं कुछ कि ऐसा होगा, तो अभी जो है ना हो गई थी सुबह, बना रही हूँ चाय, तो चाय पीऊँगी थोड़ा सा अच्छा फील होगा, तब उसके बाद जो है ना शाम के खाना। तो चलिए फ्रेंड्स, चाय वगैरह बना लेते हैं। यहाँ पर चाय में जो भी था उसका मटेरियल सारा मैंने उसमें डाल दिया था, चाय पत्ती, चीनी, नमक और अदरक। आजकल अदरक जो है ना चरम सीमा पर है, बहुत महंगी है, तो बस जो है ना थोड़ी बहुत ही यूज़ होती है, ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि पता नहीं था कि इतनी महंगी हो जाएगी, अचानक से उसके रेट जो है ना बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी जो है ना खाने वाले जो है ना सोचते हैं कि थोड़ी बहुत तो चाहिए ही, क्योंकि बगैर उसके चाय अदरक के तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती, तो बगैर अदरक की मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो फ्रेंड्स, मेरी चाय तो यहाँ पर बनकर हो गई है तैयार, तो आइए आप लोग भी पी लीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ आज शेयर भी करने वाली हूँ, मैंने मीशो से 2 प्रोडक्ट्स मंगाए थे तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चाय पी लेती हूँ फिर आप सबको दिखा। सो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट्स आए थे कल, तो मैंने ये वीडियो कल ही शूट कर लिया था लेकिन मैं आप सबको दिखा नहीं पाई थी क्योंकि कल मैंने सुबह का ब्लॉग डाला था ना, तो इस वजह से ना नहीं दिखा पाई थी, तो मैंने सोचा कि इस वाले वीडियो में इसको ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना एक ये प्रोडक्ट्स था और एक और था, 2 प्रोडक्ट दोनों थे ये। तो यहाँ पर जो है ना एक मैंने मंगाया था ये चॉपर, तो जो लहसुन प्याज वगैरह कट करने का ये चॉपर होता है ना, ये ऐसे वाला, तो ये मैंने चॉपर मंगाया था क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। कई बार होता क्या है कि मैं 1-2 प्याज डालती हूँ सब्ज़ी में, तो इस वजह से ना मुझे उसमें ग्राइंडर ना चलाना पड़े, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको मंगवा लेती हूँ। सेकेंडली ये था एक चप्पल, तो ये चप्पल था एक पेयर, और ये मेरे हस्बैंड के लिए मैंने मंगवाया था लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा आ गया था साइज़ ना, और कलर तो ठीक था, वैसे सब ठीक था, अच्छा खासा था, बढ़िया था, मुझे सुंदर लग रही थी लेकिन उनको पता नहीं क्यों नहीं पसंद आई, और ये साइज़ जो है ना बहुत बड़ा था, उनको 8 नंबर आता और ये 10 नंबर था, इसलिए मुझे इसमें से ये एक वापस करना पड़ा, बाकी सब ठीक था। सो फ्रेंड्स, अभी वक्त हो गया है शाम का, करीब 7 बज गए हैं और मैं आ गई थी ऊपर थोड़ी देर के लिए, बच्चों को नीचे लेकर गई थी, मैं भी गई थी कि मेरा भी थोड़ा सा मूड फ्रेश होगा ना, तो इसलिए मैं भी चली गई थी, और अभी जो है ना आई हूँ ऊपर, तो सबसे पहले जो है ना कूलर में पानी भरा था क्योंकि शाम का टाइम जो है ना पानी आ गया था, तो इस वजह से ना पानी भरा तो उसमें थोड़ा सा मतलब पाइप छूट गया था काव्या से, तो पानी जो है ना नीचे गिर गया था सारा, सो वो जो है ना साफ़ किया है, और अभी जो है ना कर रही हूँ दिया बाती। सो फ्रेंड्स, दिया बाती कर लेते हैं फिर उसके बाद जो है ना अपने खाना वगैरह करते हैं तैयारी। सो फ्रेंड्स, मैंने ना इसको चॉपर को निकाल दिया है और आज मैं इसका शुभ मुहूर्त करने वाली हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मुझे बनाने हैं आलू मटर, तो मटर मैंने छीली हुई है और अभी जो है ना आलू वगैरह छील रही हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना मुझे लहसुन प्याज वगैरह भी छीलने हैं, और मैं ना इसी में ही मतलब करूँगी कि आज देखती हूँ कि स्टार्ट करके कि कैसा लगता है, क्योंकि हमेशा पीस कर डालते हैं और वैसे बड़े बड़े चॉप करके डालते हैं, तो आज ना इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, बहुत बारीक से चॉप होते हैं इसमें, तो देखते हैं कि कैसा लगता है सब्ज़ी का टेस्ट, फ्लेवर कैसा आता है,
तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है ना आलू वगैरह मेरे कट हो गए हैं, तो मैं अब जो है ना लहसुन प्याज काटने की तैयारी करती हूँ। इसमें जो है ना ये ब्लेड्स वगैरह और इसका ढक्कन वगैरह ना खुल जाता है, तो मतलब बहुत टाइटली बंद होता है ये, और इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है और ईजीली हो जाता है। जैसे मतलब अगर हमारे पास टाइम भी नहीं है ना, तो हम रफली चॉप करके प्याज को ना ऐसे ही कर लेते हैं, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये देखिए मैंने रफली चॉप किया है प्याज को, और अभी जो है ना बस लहसुन छीलने में जो टाइम लगता है वो तो लगना ही है, क्योंकि मुझे 5-7 कलियाँ लहसुन की भी डालनी है। और अभी जो है ना मैंने इसी में डायरेक्टली इनको काट लिया है, और ब्लेड लगाने का बीच में इसमें स्टैंड दिया हुआ है। और अभी जो है ना चलिए इसको फटाफट से चॉप कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया है और इसको ऐसे करके इसको कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से हो गया है और बहुत अच्छे से चॉप हो गई हैं, ये देखिए। और धैर्य भी आ गया था इधर, उस सब बच्चों को लग रहा है कि ना खेल है ये, और पता नहीं मम्मी क्या कर रही हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से चॉप हो गई हैं, और धैर्य आ गया, बोल रहा था मुर्गो करना है, ये देखो छीन के भागने लग गया था बिल्कुल। सो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी हो गए, इसने ना मेरे किचन का जो है ना टाइम सेव कर दिया है। क्योंकि इससे क्या होगा कि मतलब मैं जो है ना लहसुन प्याज वगैरह में जो काटने में रफली बिल्कुल बारीक बारीक काटती हूँ उसमें टाइम लगता है, तो इसमें जो है ना नहीं करना पड़ेगा। और ये देखिए बिल्कुल पीसी पीसी हो जाती हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से, और मुझे सच में बताऊँ बहुत खुशी हुई इसको लेके। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन इसने ना मेरा बहुत सेव किया है काम जो है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब बनाते हैं सब्जी। तो यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है, उसमें तेल डाल दिया है, और अभी जो है ना इसमें जो चॉप की हुई लहसुन प्याज और टमाटर है ना, मैंने टमाटर भी इसमें लास्ट में ना चॉप कर दिया था इसके साथ ही ना, तो मैंने कहा मैं इनको भी बड़ा बड़ा नहीं छोड़ती। तो ये देखिए बहुत अच्छे से चॉप हो गई थी, और आप देख ही रहे हैं बिल्कुल पेस्ट सा ही लग रहा है, बहुत अच्छा चॉप किया है इसने, मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा। और अभी जो है ना मैंने इसमें बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं, तो मसाले को जो है ना अच्छे से भूनूंगी, इसका कलर जो है ना अलग ना हो जाए तब तक मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मसाला भुन गया है, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे सब्जी। तो पहले आलू को ऐड कर दूंगी, फिर उसके बाद मटर को। तो मटर जो है ना छील के रखी थी करीब एक कटोरा, और बच्चों ने खा खा कर ना इतनी छोड़ी है, तो मतलब बहुत सारी खा गए थे बच्चे। तो यहाँ पर मैंने ढक दिया है कुकर को, बहुत देर तक मैंने इनको कसाया है मसाले में, और सब्जी का कलर आप देख ही रहे हैं कि मतलब चॉप की हुई लहसुन प्याज से ना कितना अलग सा कलर जो है ना लग रहा है। तो मैंने इसमें अभी पानी छोड़ दिया है, अभी इसमें 2-3 सीट लगाऊँगी सीटियाँ ताकि अच्छे से गल जाए। सो फ्रेंड्स सब्जी तो बन गई है, यहाँ पर जो है ना मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है, और इसको 5 मिनट के लिए कसा दूंगी। तो फ्रेंड्स सब्जी बनकर हो गई है तैयार, अभी जो है ना चावल की कर लेते हैं तैयारी। तो मैंने कुकर को दोबारा से धोकर है ना मतलब सब्जी को पलट दिया भगोने में, और इसके बाद जो है ना कुकर को चढ़ा दूंगी गैस पर, और यहाँ पर जो है ना एक छोटा सा प्याज मैं काट लूँगी, क्योंकि मैं आज जीरा राइस नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते हैं जीरा राइस। तो चलिए दोबारा से कुकर में ऑयल चढ़ा दिया है, इसमें जो है ना प्याज डाल दूंगी, और बाकी के जो चावल है ना उसको ऐड कर दूंगी, और फिर लगा दूंगी 2-3 सीटियाँ। सो फ्रेंड्स कभी कभार ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उन पर विश्वास कभी कभी होता है, और कभी कभी नहीं भी, क्योंकि कई हम लोग सोचते हैं क्या हो रहा है क्या। ऐसे में तो देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स अभी तक मंगाए हैं ना बहुत ही अच्छे आए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छे से और सारे प्रोडक्ट्स जो है ना मेरे मन के ही आए हैं, कभी मैंने वापसी नहीं की। लेकिन ये स्लीपर्स जो है ना मैंने उनको बिना बताए ऑर्डर की थी ना, तो इस वजह से शायद उनको पसंद नहीं आई, और साइज भी थोड़ा 2 नंबर बड़ा था, क्योंकि उनको 8 नंबर आता है और 10 नंबर नहीं आता है, तो इसी वजह से ना उनकी शायद साइज का इशू था, तो इसी वजह से शायद उन्होंने चेंज करवाया है। लेकिन बस अभी मैं कर क्या सकती हूँ ना, तो इसलिए ना। सो फ्रेंड्स मेरा खाना बनकर हो गया है तैयार, तो ये देखिए आइए चावल भी बन गए हैं और सब्जी भी, सच में दोनों चीज़ें बहुत ही टेस्टी बनी थी। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ एक चीज़ खाते हैं, तो चावल या रोटी, तो दोनों चीज़ों को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है गर्मी के टाइम में ना। तो ये देखिए मैंने अपनी थाली लगा ली है, मैं भी बैठ गई हूँ खाने, इधर बच्चों को दे दिया है खाना खाने के लिए। तो अभी जो है ना करीब 1:15 बज गए हैं, अभी तक वो नहीं आए हैं, वो आएंगे लेट। तो फ्रेंड्स आवाज़ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि क्या है ना कूलर में भी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, ऊपर से टीवी चल रहा है, ऊपर से ये बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो आई होप आप सब अंडरस्टैंड करेंगे। नहीं वीरू, सो फ्रेंड्स चलिए खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद बातें करते हैं। हेलो गाइस, तो हम पापा जी का वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं, 9 बज गए हैं, पापा जी अभी तक नहीं आए हैं, वीरू के पापा जी है ना, नहीं आए ना पापा जी,
नहीं पहले बताओ, नहीं आए ना अभी तक। हमने तो खाना खा लिया, हमने तो खाना खा लिया, हमने खाना खा लिया और आलू चावल खा लिए। क्या खाया था? आलू चावल। आलू चावल खाए थे हमने तो, खा लिए। लेकिन अभी पापा जी नहीं आए हैं, अभी पापा जी नहीं आए हैं। अभी 9 बजे, नहीं 9 बज गए हैं लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। वो आने वाले हैं, जब वो आ जाएंगे तब हम लोग खाना खाएंगे, मतलब हम लोग वो खाना खाएंगे, हम लोग बर्तन साफ करेंगे, है ना? हाँ हाँ। क्या पानी? पानी चाहिए? दे दूँ पानी, गिलास में देंगे। हाँ, तो हम लोगों ने खाना खा लिया है।